अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। इन टुडे लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द ट्राई एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो आज की वीडियो में मैं आपको ट्राई एक्सट्रूजन के प्रोसेस के रिलेटेड जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। ड्राई एक्सट्रूजन का प्रोसेस होता है क्या, एक्चुअली उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके कब उसको इंट्रोड्यूस किया कराया गया, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशन फर्दर जो है वो कहाँ कहाँ पे की जाती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज के लेक्चर में मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो ड्राई एक्सट्रूजन का जो प्रोसेस था, ये ट्रिपल एफ इनकॉर्पोरेटेड जो है वो एक कंपनी थी, उसने जो है वो फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस कराया ड्राई एक्सट्रूजन के प्रोसेस को टू हेल्प द फार्मर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, ताकि वो जो है वो सोयाबीन डैट हैव बीन फीड डायरेक्टली टू लाइफ स्टॉक एंड द पोल्ट्री तो जो है वो ट्रिपल एफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी फर्स्ट टाइम फार्मर्स की हेल्प के लिए और प्रोड्यूसर्स की हेल्प के लिए इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराया, ताकि वो उससे सोयाबीन जो कि उसकी डैट कुड बी फीड डायरेक्टली इनटू द लाइफ स्टॉक एंड द पोल्ट्री। तो इसको जो है वो नेक्स्ट 1969 में फर्स्ट टाइम एक्सट्रूजन के प्रोसेस को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए, इसको इंस्ट्रा प्रो डिवीजन ऑफ द ट्रिपल एफ का नाम भी दिया गया। तो उसके बाद इसमें ये इंट्रोडक्शन था, उसके ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है कि इस प्रोसेस का जो है बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें जो फूड है उसकी जो है वो सेफ फूड प्रोड्यूस की जाती है, और इसमें फूड की जो क्वालिटी है उसके हाली न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है, कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो हाली न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है इस प्रोसेस के ज़रिए। उसमें जो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पैसे भी कम लगते हैं, और जो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, मतलब जो इस प्रोसेस के दौरान जो पैसा यूज़ होते हैं वो उसके कॉस्ट भी कम है। तो ये इस ऑब्जेक्टिव्स की वजह से ड्राई एक्सट्रूजन के प्रोसेस को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो प्रिंसिपल इसका क्या है ड्राई एक्सट्रूजन का, ड्राई एक्सट्रूजन जो है वो कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट से यूज़ नहीं होता। ये एक्चुअली हीट जो है जो इसमें जो सेक्रियो मूव कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसको यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस में, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट को यूज़ नहीं किया जाता। ये बात आपने इसमें याद रखनी है, यही इसका प्रिंसिपल है। तो इसमें रॉ मटेरियल कुकिंग जो है वो उस जो भी रॉ मटेरियल लाया जाएगा प्रोडक्ट बनाने में, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो मैक्सिमम 18 से 22% होगा, और प्री कंडीशनिंग की इसमें ज़रूरत नहीं होती, मतलब इसमें मॉइस्चर लेवल जो है वो जो एडजस्ट होया हुआ होता है। इन इंपॉर्टेंट सिस्टम प्री कंडीशनिंग वाज प्रोवाइडेड फॉर एडी स्मॉल अमाउंट ऑफ द ड्राई स्टीम। तो इसमें जो है वो जो प्री कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें प्री कंडीशनिंग जो है वो प्री कंडीशन में जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्राई जो स्टीम है वो प्रोवाइड की जाती है प्री कंडीशनिंग में, उसमें मॉइस्चर लेवल एडजस्ट करने के लिए। लेकिन इसमें जो है मॉइस्चर लेवल ऑलरेडी एग्जिस्ट जो है वो ऑलरेडी एडजस्ट जो है वो होता है। तो ये इसमें प्रोसेस है ड्राई एक्सट्रूजन का। तो इसके हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शेयर कर देता हूँ आपसे। तो वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पर जो है वो मिल जाएगी, मैं आज ही जो है वो भी अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो वो आप मज़ीद इस वीडियो के सेकंड पार्ट को आप देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो एक नई लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।